वैलेंटाइंस वीक में शहर के प्रसिद्ध रोकड़े ज्वेलर्स की ओर से सोसाइटी एक्टिविटी के मनोरंजक कार्यक्रम कई स्थानों पर किए जा रहे हैं। वहीं शुक्रवार को भी इस कार्यक्रम का आयोजन बेसा रोड स्थित अथर्व नगरी में किया गया, जहां सभी कपल्स ने भरपूर एंजॉयमेंट के साथ इस कार्यक्रम का आनंद लिया। नागपुर शहर में वैलेंटाइंस वीक की शुरुआत में ही मनोरंजन और आकर्षक कार्यक्रमों ने मिठास घोलना शुरू कर दिया है। इसी बीच शहर के प्रसिद्ध रोकड़े ज्वेलर्स की ओर से शुक्रवार 10 फरवरी को सोसाइटी एक्टिविटी फन डे माई डे के मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बेसा की अथर्व नगरी में विवाहित कपल्स के लिए खेलों और मनोरंजन से भरी किटी पार्टी सेलिब्रेट की गई, जिसमें डांस, म्यूजिक चेयर, बैलेंस दी बलून डांस और अन्य कई सारे मनोरंजक खेल खेले गए और सभी को उपहार देकर प्रोत्साहित किया गया। जहां एक और इस वैलेंटाइन वीक को पेरेंट्स या विवाहित कपल सेलिब्रेट नहीं करते, वहीं दूसरी ओर रोकड़े ज्वेलर्स द्वारा आयोजित उनके लिए इस तरह के कार्यक्रम में सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और साथ ही इस आयोजन पर रोकड़े ज्वेलर्स की काफी प्रशंसा भी की। मेरा नाम त्रिशा है एंड यहाँ पर रोकड़े ज्वेलर्स की तरफ से प्रोग्राम हुआ था एंड यहाँ पर एक मीन्स बहुत ही अच्छे अच्छे गेम्स हुए। एक बोट वाला भी गेम हुआ था एंड मीन्स यहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आई एंड यहाँ पर बहुत सारे प्राइजेस भी मिले मुझे एंड मेरे फ्रेंड्स को। गेम में बहुत मज़ा आया एंड हम लोगों ने बोट वाले गेम खेले और बहुत सारी चीज़ें खेली एंड थर्माकोल वाले भी गेम खेला, जिससे हमें स्ट्रॉ से थर्माकोल को पकड़ना था एंड थर्माकोल बॉल्स को एंड देन हमें एक बाउल में डालना था। थैंक यू। हेलो, मैं हूँ हरिका सावरकर और मैं इधर आके बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया मैंने। आप नहीं जानते इधर इतनी प्यारी एक्टिविटी थी, इतनी प्यारी एक्टिविटी, मैं बहुत इन्जॉय किया। ऐसा लग रहा था कि एकदम यूनिकॉर्न वर्ल्ड में पहुंच गए हम, रेनबो वर्ल्ड में पहुंच गए, एकदम हेवन। बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ थी। हमने हमने बोट से खेला और हमने थर्माकोल्स बॉल वाला एक गेम खेला, वो बहुत अच्छा था। सो इसलिए मैं कहूँगी आई लव इट। थैंक यू। नागपुरातील सगळ्यात चांगलं दुकान आहे, त्यात मी तर फार जुना कस्टमर आहे, फार जुना कस्टमर आहे आणि तिथे माझी भिसी पण चालू असतं आणि भरपूर काही आहे। आणि रोकडी ज्वेलर्सबद्दल नागपुरात एक चांगलं नाव रोकडी ज्वेलर्सचं आहे आणि मी फार जुना त्याचं हे आहे आणि जे जे काही तुम्ही हे अरेंज करता प्रोग्राम ते सर्वात उत्कृष्ट असतात आणि लोक त्याला चांगला प्रतिसाद देतो आणि आपले ग्राहक पण नागपुरात खूप आहे। जे तुम्ही अथर्वनगरीमध्ये आज तुम्ही आमच्या इथे कार्यक्रम अरेंज केलेला आहे तो चांगला करण्याचा तुम्ही प्रयत्न केला आहे आणि इथे जे काही गेम्स। माझं नाव विजय भेंडे, मी अथर्वनगरी 2 रहिवासी आहे आणि रोकडे ज्वेलर्स हा एक एकदम वेल नोन एक ज्वेलर आहे आणि याचा मी पण एक ग्राहक आहे आणि बरेचसे रोकडे ज्वेलर करूनच आम्ही जे काही आभूषण आहे लग्नाचे आहे काही असं लागतात ते पण आम्ही इथूनच घेतलेले आहे आणि आज जो तुम्ही उपक्रम इथं घेतलेला आहे हा एक कौतुकास्पद आहे आणि ज्या पद्धतीने तुम्ही आता गेम्स वगैरे घेणार आणि ज्या मुलांना एक 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 मोटिवेशन मिळेल इथे आणि तसेच लेडीजचा पण खूप चांगला प्रतिसाद मिळेल इथे आणि शेवटी एक सांगतो मी तुम्हाला की असे उपक्रम तुम्ही ठिकठिकाणी घेत राहा, तसंच तुमचाही तिच्यामध्ये रोकडे ज्वेलर्सचा सहभागानी आणि त्या पद्धतीनं जर इथे सगळ्या गोष्टी झाल्या तर एक समाजात एक चांगलं एक वातावरण निर्माण होते आणि रोकडे ज्वेलर्सचं मी त्यांचं अभिनंदन करतो की या प्रकारचे तुम्ही उपक्रम घेऊन लोकांना उपकृत करता। थँक्यू। मी मदन मालव, अथर्वअग्नी 2 बहुउद्देश संस्था सचिव, या ठिकाणी मी विविध प्रकारचे उपक्रम सामाजिक आर्थिक आणि जे काही उपक्रम असतील ते उपक्रम या ठिकाणी मी आम्ही राबवत असतो। या ठिकाणी होळी महोत्सव आहे, पोळा महोत्सव आहे आणि आनंद मेळावा आहे, हे सगळं या ठिकाणी आम्ही या ठिकाणी उपक्रम साजरे करतो। प्रामुख्याने या ठिकाणी आज म्हणजे मी इथे राहायला आलो त्यापासून आज या ठिकाणी रोकडे ज्वेलर्स या ठिकाणी उपक्रम या ठिकाणी घेऊन राहिलेला आहे। त्याच्यामध्ये एक छान खेळाची धमाल या ठिकाणी होणार आहे आणि या खेळाच्या धमालमधून सगळ्या महिला मंडळी या ठिकाणी उपस्थित दिलेल्या, या महिलांना या ठिकाणी बक्षीस मिळणार आहे, त्या बक्षिसातून
ते आपल्या दुकानाची एक चांगली जाहिरात होईल आणि या जाहिरातीतून आपलं एक रोकडे ज्वेलर्स या ठिकाणी नाव लौकिक होणार आहे. तेव्हा या आपण या ठिकाणी रोकडे ज्वेलरने हा जो उपक्रम राबवला आहे त्याबद्दल मी रोकडे ज्वेलरचे आणि युशेनचे या ठिकाणी सर्व आभार मानतो आणि मी माझं भाषण संपवतो. हाँ, रोकड़ा ज्वेलर्स हमारे अथर नगरी में आया है. इन्होंने आज यहाँ अपने यहाँ बहुत अच्छे कार्यक्रम लिए, बच्चों के लिए कपल गेम्स लिए, बहुत अच्छे लगा, बहुत मज़ा आया, गिफ्ट्स भी बहुत अच्छे दिए हैं. हाँ, रोकड़ डिज़ाइंस की भी डिज़ाइंस सब अच्छे इनोवेटिव होते हैं, नए होते हैं और वेराइटी भी बहुत है, इसलिए पसंद आते हैं हमको. हमारे अथर नगरी टू में रोकड़े ज्वेलर्स आए हैं. इतनी भागम भाग की ज़िंदगी में हम लोग समय निकालते हैं और सब इकट्ठा होते हैं. यहाँ का गेम, यहाँ के जो ज्वेलरीज रहते हैं वो इतने अच्छे रहते हैं, मुझे बहुत पसंद आते हैं. इसलिए मेरे लिए तो रोकड़े ज्वेलर्स बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है हर किसी के लिए, मेरे लिए ही नहीं अथर्व नगरी के लिए. सभी लोग इसके लिए बहुत आभारी हैं, रोकड़े ज्वेलर्स का भी और पूरे अथर्व नगरी का भी. गेम जो खिलाए, सारे गेम्स बहुत अच्छे थे, यानी कपल्स गेम, बच्चों के गेम और इंडिविजुअल गेम भी बहुत अच्छे थे. रोकड़े ज्वेलर्स को थैंक यू मेरी तरफ से. फंडे माय डे इस एक्टिविटी में आप सभी का स्वागत है. तो आज फिर हम आ गए हैं अथर्व नगरी टू में अपने संडे फंडे एक्टिविटी को लेके, जो कि रोकड़े ज्वेलर्स के द्वारा आयोजित की जा रही है. और जैसे कि पहली एक्टिविटी में मज़ा आया था, इस सीरीज़ को करते हुए बहुत ही मज़ा आ रहा है. और नेक्स्ट डे दूसरी एक्टिविटी भी बहुत ही सक्सेसफुल रही और यहाँ की ऑडियंस ने इतना मज़ा किया ढेर सारे गेम्स और प्राइजेस के साथ. तो और फिर आगे मिलते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ को लेकर अगले किसी सोसाइटी में. थैंक यू सो मच. इंडीसी न्यूज़ के लिए राजकुमार मोहड़ के साथ अक्षय अंसारी की रिपोर्ट.